नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के आज के इस यूट्यूब वीडियो में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेद में हमें क्या क्या समाधान बताए गए हैं, क्या क्या नुस्खे बताए गए हैं, और हम इजीली घर पे बैठे इनका समाधान कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक। दोस्तों, आंखें कमज़ोर होना आजकल के लाइफस्टाइल का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें हम टीवी देखना, कंप्यूटर यूज़ करना या फिर हमारा भोजन इस तरह का है कि जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, जिससे कि छोटी उम्र से ही आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। तो छोटी उम्र में भी चश्मा लग जाना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अगर आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आँखें कमज़ोर हैं, तो उसका आयुर्वेद ने हमें क्या ट्रीटमेंट बताया है और हम घर बैठे कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए देख लेते हैं इसके लिए क्या प्रिपरेशन है। इसके लिए सामग्री रिक्वायर्ड है वो है 100 ग्राम एलो जूस, 500 ग्राम पिसे हुए अखरोट, 300 ग्राम शहद और 3 से 4 नींबू का रस। और उसकी विधि इस तरह से है, एलो का रस निकालने से पहले इसके पत्तों को उबले हुए लेकिन ठंडे पानी में धोकर साफ कर लें। सारी सामग्री को एक साथ मिक्स करें और ब्लेंडर में अच्छे से डालकर ब्लेंड कर लें। आपका 10 दिनों के लिए मिश्रण तैयार है। इस मिश्रण को फ्रिज में रख के स्टोर कर लें। इस मिश्रण का 1-1 चम्मच दिन में 3 बार सेवन करें और ये आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले करना है। इस मिश्रण का रोजाना सेवन करें जब तक कि आपको अच्छे नतीजे प्राप्त ना होने लगें। और 10 दिन के बाद आप इस प्रोसेस को दोबारा भी दोहरा सकते हैं। आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छा लाभ देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप ये जरूर करके देखें। और आपको इस बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट onlyayurved.com पर जाकर के देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप ये इन्फॉर्मेशन आपके जो मित्रगण हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। और आप ये करें और आपके जो फीडबैक कमेंट्स आदि हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।